नमस्कार दोस्तों, सरदार नुस्खे के स्पेशल एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पिंपल्स से हुए घाव को, पिंपल्स से हुए दाग को ठीक करने का असरदार नुस्खा। दोस्तों, रातों रात अगर आप पिंपल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप जो है पिंपल्स से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की तमाम वीडियो आपके इनबॉक्स में मिलेगा और आप जो है हमारे द्वारा दिए जाने वाले हर एक ट्रिक से अपडेटेड रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिंपल की समस्या हम सभी को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ लोगों को इस समस्या से जल्द राहत मिल जाती है और कुछ लोगों को जीवन भर इस समस्या से जूझना पड़ता है। दोस्तों, तैल ग्रंथियां, सीबम के अतिरिक्त स्राव की समस्या इसका मूल कारण है। पिंपल यकीनन भीड़ स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी बेदाग और खूबसूरत चेहरे पर एक्नी या पिंपल्स की समस्या आ जाती है तो दुखी होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा एक सबसे बेहतरीन, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट की, और वह है अंडे का सफेद हिस्सा। दोस्तों, अंडे के सफेद भाग का प्रयोग पिंपल को दूर करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। आप 3 से 4 अंडे लेकर उसकी जर्दी निकाल लें और फिर पिंपल से प्रभावित क्षेत्र पर 3 या 4 बार लगाएं। अंडे के सफेद भाग में अमीनो एसिड होता है जो कि पिंपल्स को हटाने तथा बेदाग त्वचा को बनाने में आपकी काफी हद तक मदद कर देता है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक्स की, और ये है टूथपेस्ट से पिंपल का उपचार। दोस्तों, टूथपेस्ट का नाम तो आप सुने ही होंगे। दोस्तों, हम सभी यूज करते हैं अपने घरों में, और टूथपेस्ट पिंपल को हटाने के लिए, सुखाने के लिए, साथ ही साथ जलन को कम करने में काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन परऑक्साइड और शराब और मेथनॉल भी शामिल होता है, जो पिंपल्स के रोकथाम के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। दोस्तों, अब आपको करना यह है कि बिस्तर पर जाने से पहले हम प्राकृतिक टूथपेस्ट को केवल प्रभावित क्षेत्र पर लगाने की सलाह देते हैं, और आप जो है सुबह हल्के गुनगुना पानी से इसे साफ कर लें और फिर जो है देखेंगे कि एक्टिविटी है कितना फास्ट होता है। अब बात कर लेते हैं मैग्नीशिया के दूध के बारे में। दोस्तों, तैलीय त्वचा वाले रोगों के लिए मैग्नीशिया का दूध बहुत ही जरूरी होता है, और इसकी गिनती पिंपल्स को चेहरे से जल्द हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जल्दी और उत्कृष्ट परिणाम के लिए मैग्नीशिया का दूध जो होता है इसलिए कारगर होता है क्योंकि यह जो है त्वचा से अतिरिक्त तेल को जल्दी सोख लेता है। महिलाएं इसे मेकअप प्राइमर के रूप में भी उपयोग में ला सकती हैं। अब इसमें सबसे खास बात यह है ध्यान देने वाली कि आपकी अगर सूखी त्वचा है तो मैग्नीशिया का दूध अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तो आप जो है इसको यूज करने से पहले इस बात को खासा ध्यान रखें। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं सैलिसिलिक एसिड का। दोस्तों, सूखी त्वचा वाले लोगों के लिए पिंपल्स को दूर करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग है वह है सैलिसिलिक एसिड। अन्य लोशन की अपेक्षा यह कम जलन करता है और शांत प्रभाव डालता है। साथ ही साथ इसके सैलिसिलिक एसिड जो होता है वह रोम छिद्र की सफाई करने के साथ साथ पिंपल के कारणों को भी कमी लाने में काफी हद तक मदद कर देता है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी ट्रिक्स की, और ये है मेथी का पेस्ट। अगर आप ताजी मेथी की पत्तियों को तोड़कर उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को रात में सोने से पहले पिंपल्स वाली जगह पर लगा लें तो 10 से 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद गुनगुने पानी से इस पेस्ट को हटा लें। यह उपाय पिंपल्स के साथ साथ ब्लैक हेड और झुर्रियों को भी हटाने में आपकी काफी हद तक मदद करेगा। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे कारगर नींबू की। दोस्तों, नींबू आसानी से और जल्दी से पिंपल्स और दाग को मिटाने में मदद करता है, और यह विटामिन सी की युक्त उपचार प्राकृतिक भी है। ताजा नींबू के लेकर पिंपल्स पर लगाएं तो इसे जरूर लाभ मिलेगा, और नींबू का उपयोग नियमित रूप से करने के लिए आप कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। इसके बाद बात कर लेते हैं सिरका या लहसुन का। जीवाणु रोधक गुण होने के कारण सिरका या लहसुन का उपयोग जो है पिंपल्स के उपचार के लिए किया जा सकता है।
और इसके बाद से मैं बात करने वाला हूँ सबसे बेहतरीन एलोवेरा के बारे में। दोस्तों एलोवेरा पिंपल्स का काल है एक तरह से अगर आप कहें तो। दोस्तों चेहरे पर पिंपल्स कर रहे हैं अधिक परेशान तो एलोवेरा आपके लिए किसी वरदान से भी कम नहीं है। ताज़ा पत्ता लेकर उसके अंदर की जेल को निकालकर पिंपल वाले जगह पर या प्रभावित अपने पूरे फेस पर लगा सकते हैं। एलोवेरा के अंदर बैक्टीरियल विरोधी गुण होते हैं और जिसके कारण ये जो बैक्टीरिया मारने में मदद करती है और आपके जो चेहरा को स्किन टोन्ड बना देता है। तो दोस्तों अगर आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरूर लाभ होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे कमेंट करना शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।